तो ये देख लो भाई, यहाँ पे बनने जा रही है हरी चटनी, जो कि हम समोसे, ब्रेड पकौड़े वगैरह, कचौड़ी वगैरह के साथ खाते हैं। तो उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो भैया बताओगे इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं? ये भैया 4 किलो धनिया है, 4 किलो धनिया है, 1 किलो पुदीना है, पुदीना है 1 किलो पुदीना के साथ में, 1/2 किलो लहसुन है, ठीक है, 1/2 किलो अदरक है, 1 किलो हरी मिर्च है, ठीक है, ये है, बाकी 5 किलो दही डलेगा, बाकी दही डलेगी जी, ठीक है। तो अभी इसकी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं। अच्छा, दही और अमचूर दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये काट रहे हैं, उसके बाद पुदीना काटेंगे। और भैया क्वांटिटी आपको बता दिए कितनी कितनी क्वांटिटी में रखना है, बाकी कटिंग में आपको दिखा दूंगा कितनी कटिंग रखनी है। फिर भैया सबको पीसेंगे इनको? हाँ जी, सबको मिला के पीसेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, कटिंग कर रहे हैं भैया पहले इसकी, उसके बाद पुदीना वगैरह, इसमें जब अदरक वगैरह डलेगा वो भी देखेंगे कि किस तरीके से काट के डाल रहे हैं। फिर जब ये पीसेंगे उसमें मसाले मिलाएंगे तब देखेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा धनिया कट के तैयार हो चुका है, देख लो कटिंग किस तरीके से रखनी है, कितनी मोटी रखनी है। और यहाँ पे कट रहा है ये पुदीना, पुदीना। और भैया यही अदरक और हरी मिर्चा जो डलेगा? हाँ, ये और भी कटेगा इसमें। अच्छा, इसमें और भी कटेगा अभी, ठीक है। और ये है लहसुन, तो ये किस तरीके से काटना है ये आगे देखते हैं अभी। ये देख लो डाल दिया, मिक्स कर दिया धनिया में, ये और भी पुदीना काटना है आपको। क्वांटिटी आपको उतनी रखनी है जितनी भैया ने बताई थी। कटिंग देख लो, बाकी कटिंग किस तरीके से रखनी है। तो कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कम लोगों का बना रहे तो कम भी कर सकते हैं इसको। ये तो हम दुकान के लिए, अपने शॉप के लिए बना रहे हैं। और जैसे किसी को बनाना हो भैया कम क्वांटिटी में, तो कैसे करेंगे उसे? वो कम है, जैसे 1 किलो 1/2 किलो धनिया लेंगे तो 1/2 किलो धनिया लेंगे तो 200 ग्राम पुदीना और 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम हरी मिर्च। अच्छा, ये डाल सकते हैं। और दही अमचूर वगैरह? हम दही डालेंगे फिर, अमचूर नहीं। अच्छा, फिर दही कितनी क्वांटिटी में डालेंगे? दही डलेगा कम से कम 500 ग्राम। अच्छा, 500 ग्राम, मतलब आधे 500 ग्राम। हाँ, छोटी मोटी किसी पार्टी जैसे होती है उसके लिए, घर में अगर किसी को बनानी हो तो अपने। बाकी जो मसाले हैं वो आगे देखते हैं वो किस क्वांटिटी में डलेंगे, और कम क्वांटिटी में अगर आपको बनाना हो तो वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगा। तो ये देख लो, यहाँ पे ये काट रहे हैं, ये देख लो भैया ने यहाँ पे अदरक हरी मिर्च डाली, और भी इसमें और डालनी है। हरी मिर्च आपको साबुती डालनी है भैया? साबुती डालनी है हरी मिर्च? मिक्सी में या ग्राइंडर में बस पीस जाती है। ठीक है भैया, कह रहे हो तो पीस जाएंगी, इसलिए आपको साबुत रखनी है हरी मिर्च। और अदरक देख लो, अदरक के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके आपको डाल देने, इस तरीके से स्लाइस कर देनी है आपको अदरक की। तो ये देख लो, यहाँ पे सारा कट चुका है, इसमें क्या क्या था आपने देख लिया था, कितनी क्वांटिटी में था वो भी देख लिया था, अदरक लहसुन हरी मिर्च और अपना धनिया और पुदीना, और क्वांटिटी क्या क्या थी वो भैया ने आपको बता दी थी। ये सारा यहाँ पे काट के रखा हुआ है, अब इसको धो रहे हैं, उसके बाद इसको पीसेंगे मशीन में, उसके बाद जब ये पीस जाएगा तब देखेंगे इसमें क्या मसाले मिला रहे हैं। आगे का जो भी प्रोसेस होगा आगे का वो आगे देखते हैं, जो भी मसाले मिलेंगे इसमें वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो भाई वेलकम बैक टू वैनम फूडी। तो आज हम आ चुके हैं न्यू अग्रवाल स्वीट्स एंड कैटर्स। पहले मैं आपको यहाँ का एड्रेस बताता हूँ, ये है भैया द्वारका सेक्टर 14। जी सर। और यहाँ पे ये कौन सी रोड है? ये सनी बाजार रोड है। सनी बाजार रोड है सामने, यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये आपको काली माता का मंदिर मिल जाएगा, सामने आपको शॉप मिल जाएगी न्यू अग्रवाल स्वीट्स एंड कैटर्स। तो ये देख लो, हरी चटनी के लिए जो जो हमने सामान लिया था ना, धनिया पुदीना अदरक लहसुन हरी मिर्च वगैरह, वो सारी पीस दी हैं और पीस के यहाँ पे बाल्टी में रखी हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है, मसाले वगैरह क्या क्या डलेगा इसमें, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो भैया स्टार्ट करिए, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाई जाएंगी? दही रहेगा तो दही डालना है, दही डालना है इसमें। हाँ, ये दही है फेंट के डाला हुआ, भैया ने फेंट के इसमें दही डाली। और दही कितनी डाली भैया? 5 किलो। 5 किलो इसमें भैया ने दही डाली है। ये देख लो यहाँ पे दही डालिए और नमक डालिए। अब इसमें नमक डालेंगे, और जो दही थी वो फेटी हुई थी पहले से ही। ये काला नमक है पिसा हुआ, भैया इसमें डाल रहे हैं काला नमक पिसा हुआ। ये भैया खुद ही पीसते हो आप? हाँ, अपना डे लेवल लाते हैं। अच्छा अच्छा, भैया कह रहे हैं वो जो आता है ना पत्थर की तरह वो लाते हैं और खुद पीसते हैं ये। और ये भैया ने डाल दिया इसमें कम से कम ये होगा 300 ग्राम। 300 ग्राम भैया सफ़ेद नमक था, और काला नमक कितना डाला था भैया? काला नमक डाला 100 ग्राम। 100 ग्राम काला नमक डाला था। ये देख लो, ये बगैर अमचूर वाली है। अच्छा, ये बिना अमचूर के है? हाँ, ये अमचूर वाली नहीं है। ये अमचूर के साथ भी बनती है भैया? हाँ, अमचूर के साथ बनती है, अमचूर भी डाल सकते हैं दही की जगह पर। अच्छा, अगर खट्टा करना है तो दही की जगह में अमचूर वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। दही दही है लेकिन ये दही वाली है। ये चटनी तैयार हो गई, ये देख लो, ये हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है यहाँ पे।
ये बिल्कुल डन है भैया, बिल्कुल रेडी है, एकदम रेडी है खाने के लिए। तो ये देख लो, ये थी इसकी रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है, समोसे ब्रेड पकौड़े के साथ खाने वाली चटनी। इसको आप वैसे स्नैक्स के साथ भी खा सकते हो, फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो हम घर में बनाते हैं उसके साथ भी आप इसको खा सकते हो। तो यहाँ पे बनने जा रही है मीठी चटनी जो हम समोसे ब्रेड पकौड़े वगैरह के साथ खाते हैं, तो वो देख लेते हैं वो किस तरीके से बनती है। तो भैया क्या लिया है यहाँ पर बताओगे आप? ये अमचूर है साबुत वाला, 1 किलो। 1 किलो साबुत वाला आमचूर है ये, और इसमें क्या क्या डालना है भैया? अभी डालेंगे जब बताएंगे आपको सामने। ठीक है, ये अमचूर बन रहा है, बनने के बाद पीसा जाएगा, पीसने के बाद तब बनेगा। तो भैया कह रहे हैं ये आमचूर लिया है भैया ने साबुत वाला, 1 किलो आमचूर है ये। भैया एक बार पत्ती उठा के दिखाओगे इसकी कैसी होती है? गर्म होगी, ये देख लो इस तरीके के होते हैं, साबुत तरीके के, जो साबुत आमचूर होता है इस तरीके का होता है। तो इसको उबालेंगे, 1 किलो आमचूर है ये, इसको उबालेंगे उसके बाद इसको पीसेंगे। तो उसके बाद जो भी इसमें चीजें मिलाएंगे वो सारी आगे देखेंगे, पहले इसको उबलने देते हैं। भैया लगभग फिर भी कितनी देर तक उबालेंगे इसको? उबालना है कम से कम नहीं तो एक आधे घंटे तक उबालते रहना है। तो आधे घंटे तक आपको इसको अच्छे से उबालना है, उसके बाद फिर पीसना है, फिर जो इसमें मसाले मिलाएंगे वो आगे देखेंगे। तो ये देख लो आमचूर जो आपको दिखाया था उस टाइम बॉयल होता हुआ, बॉयल वो अच्छे से हो गया था। इसको एक बार इन्होंने यहाँ पे पीस दिया है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा थिकनेस इसमें ज़्यादा है। तो इसको अभी दोबारा पीसेंगे, बिल्कुल एकदम बारीक कर देंगे, मशीन में पीस रहे हैं ये लोग। तो भैया पीस दीजिए इसको, ये पीस देते हैं, उसके बाद जो भी इसमें मसाले मिलाएंगे और आगे जो इसको पकाया जाएगा किस तरीके से पकाते हैं, क्या मसाले मिलाते हैं, वो आगे देखेंगे। तो लाल चटनी देख लो, लाल चटनी किस तरीके से बनाई जाती है, ये आपको साइड में दिख रहा होगा आमचूर जो हमने पीस लिया था उबालने के बाद। कितनी देर उबाला था भैया इसको? ये आधा घंटा उबाला था, आधा घंटा आमचूर उबाला था। उसके बाद ये देख लो, ये डाल दिया। और भैया इसमें बताओगे आप इस बर्तन में मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें? अभी चीनी डाली है। ठीक है, 7 किलो चीनी है। 7 किलो चीनी है। आप मसाले डालता हूँ भैया। अच्छा, आप मसाले डालते जाओगे, मसाले बताते रहना भैया। ये भैया ने यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं, ये देख लो, ये सौंफ है और ये बाकी मसाले वगैरह रखे हुए हैं, हल्की दरदरी रखनी है। अच्छा, मतलब भैया ने पीसी हुई है लेकिन एकदम बारीक नहीं। एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो यहाँ पे बारीक नहीं पीसी सौंफ, 50 ग्राम सौंफ डाली है जो कि पीसी हुई है लेकिन मोटी रखनी है आपको सौंफ, दरदरी। ये 100 ग्राम लाल मिर्च पीसी हुई, ये 100 ग्राम लाल मिर्च पीसी हुई, जो कुटी लाल मिर्च होती है ना मोटी वाली वो है, पाउडर है, ये देख लो 100 ग्राम पाउडर डाल दिया लाल मिर्च का। जो जो मसाले हैं वो देखते रहना, घर के हिसाब से आपको बनाना है तो घर के हिसाब से आप कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो मसाले। ये सौंठ पाउडर है, सौंठ, सौंठ, सौंठ पाउडर, सौंठ का पाउडर है भैया कह रहे हैं। ये 50 ग्राम सौंठ पाउडर डाला भैया ने इसमें। अब भैया इसमें डाल रहे हैं काला नमक, ये काला नमक अपना पिसा हुआ। कितना डालेंगे भैया? ये 200 ग्राम 200 ग्राम डालेंगे इसमें काला नमक, ये डाल दे भैया ने इसमें 200 ग्राम काला नमक। ये देख लो, ये 50 ग्राम काला नमक, सफ़ेद नमक 50 ग्राम भैया ने नॉर्मल टाटा सॉल्ट जो होता है ना सफ़ेद नमक अपना वो डाला है। तो ये सारे मसाले यूज़ होते हैं लाल चटनी बनाने में। भैया कह रहे थे इन सारे मसालों के साथ इसको पकाना है, और पकाने के साथ साथ फिर बीच में कुछ मसाले डलेंगे वो हम आगे देखेंगे जो भी मसाले डलेंगे इसमें। तो भैया लगभग कितना टाइम लग जाएगा इसको पकते हुए? आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो तेज़ आँच में आपको इसको पकाना है आधे घंटे तक, और इस तरीके से इसको घोटते रहना है, करछी को चलाते रहना है। ये देख लो इस तरीके से। हाँ जी भैया, चीनी या गुड़ नीचे ना लगे। अच्छा, भैया कह रहे हैं जैसे कि चीनी होता है या गुड़ होता है वो नीचे चिपक जाता है, तो जिसकी वजह से वो जले ना, लगातार आपको करछी चलाते रहनी है जिससे कि वो जले भी ना और मसाले भी अच्छी तरीके से मिल जाएँ। तो ये देख लो इस तरीके से आपको इसको आधे घंटे तक पकाना है, और पकाने के बीच बीच में जो कुछ ये मसाले इसमें अगर डालेंगे तो वो आगे देखते हैं। और भैया ने इसमें 1 लीटर पानी डाला है इसको थोड़ा हल्का करने के लिए, गाढ़ा हो गया था। और ये धनिया पाउडर है भैया, 50 ग्राम भैया ने इसमें डाला है धनिया पाउडर। ये देख लो, अब इसको आधे घंटे तक पकाएंगे, आधे घंटे के बीच में अगर भैया कुछ डालेंगे तो वो आगे देखते हैं। तो ये देख लो, अब भैया इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा रेड कलर। तो ये कितना होगा भैया? ये होगा ज़्यादा 3-4 ग्राम 3-4 ग्राम इसमें रेड कलर डाला भैया ने, ताकि चटनी का कलर बढ़िया तरीके से आ सके, दिखने में अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से इसको पकाना है, 30 घंटे बोल रहा था मैं, 30 मिनट तक इसको पकाना है आपको। और बीच बीच में जैसे जैसे भैया जो जो चीज़ डालते जा रहे हैं वो चीज़ हम आगे आपको दिखाते जाएंगे।
तो ये देख लो भाई, यहाँ पे हमारी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है जो हम समोसे ब्रेड पकोड़े के साथ खाते हैं। ये देखो इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है दिखने में। लेकिन अभी ये गर्म है, इसको ठंडा करेंगे उसके बाद खाई जाएगी। अभी भैया इसमें और क्या रह गया मिलाने के लिए? और भैया एक मगज और डालेंगे। मगज डालेंगे उसके बाद डन हो जाएगी ये अपनी। तो ठीक है चलिए, ये भैया ने इसमें डाल दिया मगज। और भी डाल सकते हैं घर में बनाओ तो, काजू किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा भैया कह रहे हैं अगर आपको घर में बनानी है तो आप काजू किशमिश वगैरह भी डाल सकते हो। अच्छा, भिगोने के बाद आप काजू किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। और भैया मगज कितनी क्वांटिटी में डाला होगा आपने? ये डाला 50 ग्राम। 50 ग्राम भैया ने इसमें मगज डाला है। तो भैया अपनी बनके ये रेडी है पूरी या इसमें कुछ और बाकी रह गया है? बस ये रेडी है, बस सर्व करनी है। अच्छा सर्व करनी है, लेकिन इसको थोड़ा ठंडा करेंगे ना भैया पहले? हाँ ठंडा भी जो चाहता है जल्दी घर जाके पैक करके। अच्छा ठीक है, तो भैया कह रहे हैं ये रेडी हो चुकी है, आपकी मर्जी है, वैसे ठंडा करके खाओ तो ज़्यादा स्वाद लगेगी। तो ये देख लो, ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।